सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग फैक्ट्स बीटीआई चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड की। अगर आपने ई मित्र सुविधा केंद्र में अपना आधार कार्ड अप्लाई किया है और वो रिजेक्ट हो रहा है, तो वो क्यों रिजेक्ट हो रहा है, इसकी जो आपने गलतियां की है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आपने आधार कार्ड अप्लाई करना है, तो आप कैसे आधार कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर और आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स बीटीआई। चलो शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे जो भी आपका आधार कार्ड रिजेक्ट होता है क्यों होता है। जब आप फॉर्म भरते हैं, आधार कार्ड फॉर्म भरते हैं, तो आपने जो एड्रेस और नाम सही करवाना है वही आपने अपने आधार कार्ड फॉर्म में फिल करना है। जो आपके आधार कार्ड पर गलत है नाम और एड्रेस, वो आपने फिल नहीं करना है। दूसरी बात यह है, जब आप अपने MC या सरपंच से साइन करवाते हैं, अगर वो अपनी पोस्ट से रिटायर है, तो आपने अपने उसके जो भी आप साइन करवाएंगे EX सर्विस मैन, जैसे रमेश कुमार नाम है, EX सर्विस मैन रमेश कुमार नाम नहीं लिखवाना है आपने, वहाँ पर रमेश कुमार MC या सरपंच लिखवा देना है। उसके बाद वो अपना मोबाइल नंबर लेगा, एड्रेस लिखेगा और अपनी स्टैंप लगा देगा, वेरीफाई कर देगा। तीसरी बात यह है, जब आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आपने आधार कार्ड न्यू अप्लाई करना है, तो आप सुविधा केंद्र या ई मित्र से घोषणा पत्र ले आएँ या डिक्लेरेशन फॉर्म ले आएँ, वो आप फिल करके वहाँ पे अपने MC या सरपंच से वेरीफाई करवा लें और सुविधा केंद्र में जमा करवा दें, आपका नया आधार कार्ड बन जाएगा। दोस्तों आधार कार्ड फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पर विजिट करके आप वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लें। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग फैक्ट्स BTI चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।